हेलो गाइस, लिनक्स कमांड लाइन ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि किसी भी फाइल को डेबियन पैकेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेबियन पैकेज को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक टूल इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है एलियन। एलियन, और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। एलियन ये ऐसा पैकेज जो किसी भी फाइल को कन्वर्ट करता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डैश डी है, मतलब कि डेबियन पैकेज को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। वैसे बाकी भी है, इसको थेरोटिकली और अच्छे से समझने के लिए आप मैन कमांड से इसको भी देख सकते हैं। इस तरह से मैन स्पेस एलियन लिखे और एंटर कीजिए, आपको थेरोटिकली उसकी पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद .pkg किस तरह से इंस्टॉल है वो भी है, जनरेट पैच फाइल्स वगैरह आप देख लें। उसके बाद हम इसको इंस्टॉल मतलब कन्वर्ट कैसे करेंगे उस बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिस्ट देखनी है, जिसके बाद हमें डेस्कटॉप में वो जो मैंने फाइल सेव की है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये PCB और ये tar.gz है। तो एक्चुअली जब ये हम डेबियन पैकेज में इंस्टॉल करते हैं तो ये डेबियन होती नहीं, बिकॉज इट्स नॉट अ डेबियन पैकेज, लिख कर आता है। तो हमें इसे डेबियन पैकेज में इंस्टॉल करने के लिए इसे डेबियन पैकेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो उसके लिए CD, और हम जाते हैं डेस्कटॉप में, DESKTOP डेस्कटॉप, या आगे इसके बाद LS कमांड, और आपको फाइल दिख रही होगी PCB.gz वाली। उसके बाद यहाँ पे इसको sudo su एंटर और रूट कीजिए अपने टर्मिनल को। उसके बाद sudo alien dash d फॉर डेबियन पैकेज, और इस पैकेज को हमें कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है और एंटर कीजिए। ये थोड़ा वक्त लेगा ताकि ये डेबियन पैकेज में या .deb डेब पैकेज में कन्वर्ट हो। आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ पे जनरेटेड दिखा रहा है, जो कि ये है, और इधर डेस्कटॉप पे भी देख लेते हैं। ओके, ये जनरेट हो चुका है। तो हमें इस फाइल को इंस्टॉल करना है, तो डबल आप एक टूल के वजह से, मतलब GDB पैकेज इंस्टॉलर की वजह मदद से भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर कमांड लाइन ट्यूटोरियल की वजह यहाँ से भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे आपको टाइप करना है DPKG डबल डैश इंस्टॉल, और इस फाइल को बस कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। ये रीड करेगा और आपकी पैकेज सेटिंग अप हो चुकी है। उसके बाद हमें देखना है कि ये प्रॉपरली उसमें इंस्टॉल हुई या नहीं। उसके लिए PCB एंटर, आपका ये एप्लीकेशन खुल चुका है इस तरह से। आप इसको डेबियन पैकेज इंस्टॉलर की मदद से भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए इस तरह से दिखाएगा, रीइंस्टॉल द पैकेज, रिमूव द पैकेज, इस टाइप के ऑप्शंस आते हैं। सो आज के ट्यूटोरियल में बस हम इतना ही जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।